हाँ जी, किद्दा ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड मंडे व्लॉग। तो आज मंडे व्लॉग है, तो मुझे मेक श्योर करना था कि आज थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, बिकॉज संडे बिजी था, बट स्टिल कोप अप करके मैं मेक श्योर किया कि रेस्टोरेंट टाइम पे पहुँचूँ। एंड रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद रेस्टोरेंट गेस्ट के लिए सेटअप कर दिया, साथ ही साथ किचन भी रेडी करना था फास्ट, बिकॉज आज एक्सपेक्टेड रश था। लंच की कुछ बुकिंग्स आई थी, तो उसी के बीच में मैंने मेरे लिए मेरी कोल्ड कॉफ़ी कैफीन बूस्ट बनाई और फिर उसे इंजॉय किया। और मेक श्योर करना था कि आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रेडी हूँ, बिकॉज एक्स्ट्रा बुकिंग्स थी आज लंच की टाइम की भी, तो उसके वो भी संभालना था मुझे। तो ब्रेकफास्ट के साथ ही साथ मैंने मेरा मिज़म प्लास भी स्टार्ट किया और फिर हमारे जो ऑर्डर्स थे वो आना चालू हो गए थे, हमारी जो बुकिंग्स थी वो आना चालू हो गई थी। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ तंदूरी चीज़ फ्राइज़ के लिए हमारे तंदूरी फ्राइज़ टॉस हो रहे थे तंदूरी मसाले में, साथ ही साथ ड्रिंक्स के ऑर्डर्स भी आ रहे थे। और उसी के बीच मुझे थोड़ा सा हमारी कुकिंग क्लासेस का काम करना था, कुछ सर्टिफिकेट्स एडिट करने थे, बनाने थे, तो वो भी मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाए एडिट करके। ऑफकोर्स ये थोड़ा डिफरेंट काम होता है रेस्टोरेंट के अलावा। और साथ ही साथ हमारे जो ऑर्डर्स चालू थे वो भी, जो हमारे बुकिंग्स थे टेबल के वो भी चालू थे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा हमारी मेकिंग हमारे भीगे छोले टाकोस के लिए। तो हम यहाँ हमारे जो छोटे मिनी अमृतसरी कुलचास बनाते हैं उसके ऊपर छोले डालने के बाद हम लोग यहाँ अनियन डालते हैं, अनियन के बाद थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करते हैं हमारा तंदूरी मसाला, और फिर कोरिएंडर स्प्रिंकल करके उन्हें सर्व करते हैं। आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल व्यू है। उसके बाद अर्ली इवनिंग हिट कर गई थी, तो ऑफकोर्स इवनिंग का पार्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, बट पार्ट सुनने से या पार्ट लगाने से रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी वाइब्स आती है, तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट होता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ पार्ट लगाना। उसी के साथ ही साथ डिनर रश आज थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज आज लार्ज क्वांटिटी में फैमिलीज आई थी, लार्ज नंबर्स में फैमिलीज आई थी, तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, तो उनको भी कैटर करना था। और उसी के साथ हम लोग डिनर में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जैसे बड़ी केओटीज आ रही थी, तो बड़े ऑर्डर्स, लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स बहुत सारे थे, और जोमेटो ऑर्डर्स भी साथ ही साथ आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमारा डिनर रश ख़त्म हुआ, मैंने इन्जॉय की IPL की मैच, कुछ लास्ट मोमेंट्स थे तो वो मैंने इन्जॉय किए। और उसके बाद रात को जैसे ही 11 बज गए थे हमने हमारा रेस्टोरेंट क्लोज किया, एंड थैंकफुली आज घर जाते हुए मुझे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटिफुल पीपल, होप टू सी यू सून अगेन।